नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रविशी आई क्यू जी के पर आज मैं आपके लिए 2021 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया आयो फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में फिल्म व सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है सही आंसर है ऑप्शन डी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है फ्रेंड्स ये भारत में फिल्म व सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं यह है पुरस्कार फिल्म व सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है सही आंसर है बी दादा साहेब फाल्के को फ्रेंड्स भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में जाना जाता है और फ्रेंड्स दादा साहेब फाल्के जो हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 30 अप्रैल 1870 को ये भी आपने याद रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर ये बताया था कि जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये फिल्म व सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है ठीक है वहीं अगर आपसे एग्जाम में ये पूछें कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है ठीक है नागरिक सम्मान पूछे सर्वश्रेष्ठ भारत का तो फ्रेंड्स वो है भारत रत्न ये भी आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी सही आंसर इसका ऑप्शन ए 1969 में 1969 में फ्रेंड दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी कौन सा मंत्रालय दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को प्रदान करता है सही आंसर है ऑप्शन डी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को प्रदान करता है फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में जो हमारे देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में हमारे देश के जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं वो प्रकाश जावड़ेकर हैं ये भी आपने याद रखना है वर्ष 1969 में पहली बार इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था सही आंसर इसका ऑप्शन ए देविका रानी को देविका रानी को फ्रेंड्स 1969 में पहली बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था यानी कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में क्या प्रदान किया जाता है सही आंसर है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल दिया जाता है यानी कि गोल्डन लोटस दिया जाता है एक शॉल भी दिया जाता है और साथ में दस लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है ये आपने याद रखना है काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन मरणोप्राण दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे आंसर है ऑप्शन सी पृथ्वीराज कपूर जो हैं ये मरणोप्राण दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की पहली मूक फिल्म यानी कि साइलेंट फिल्म कौन सी थी सही आंसर है ऑप्शन बी राजा हरिश्चंद्र जो कि फ्रेंड्स 1913 में रिलीज हुई थी ये भारत की पहली साइलेंट फिल्म थी नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र को किसने बनाया था आंसर है ऑप्शन बी दादा साहेब फाल्के ने भारत की जो पहली मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद इसे बनाया था ये भी आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी सही आंसर है ऑप्शन ए आलम आरा आलम आरा जो है फ्रेंड्स ये भारत की पहली बोलती फिल्म थी ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और फ्रेंड्स मैं आपको 2021 में जो अड़सठवां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो किताब मिला है तारा साहेब फाल्के पुरस्कार में वो दीपिका पादुकोण को मिला है और इनकी मूवी है छपाक ये आपने याद रखना है तो मूवी का नाम भी आपने याद रखना है ठीक है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण फिल्म है छपाक उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है अक्षय कुमार इनकी फिल्म है लक्ष्मी ये भी आपने याद रखना है क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस में कियारा आडवाणी को मिला है ठीक है इनकी मूवी है गिल्टी उसके बाद क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है सुशांत सिंह राजपूत को फ्रेंड्स ये इनको मरणोपरांत मिला है इनकी मूवी है दिल बेचारा फ्रेंड्स साथ में जो मैं आपको मूवी का नाम बता रहा हूँ ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहीं अगर हम बात करें बेस्ट फिल्म जो का जो अवार्ड मिला है वो मिला है तन्हाजी द अनसंग वारियर ये आपने याद रखना है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का में पैरासाइट को मिला है मोस्ट वर्साटाइल एक्टर के के मैनन को बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बासु को ठीक है लूडो मूवी के लिए उसके बाद फ्रेंड्स बेस्ट एक्टर इन स्पोर्टिंग रोल में विक्रांत मैसी को छपाक मूवी के लिए उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस इन स्पोर्टिंग रोल में राधिका मदान को ठीक है बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल में कुनाल कैमू को लूटकेस मूवी के लिए उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बेस्ट मत अभिनेता बात करें वेब सीरीज़ की तो फ्रेंड्स वो बॉबी देओल को मिला है आश्रम मूवी के लिए वहीं अगर हम बात करें बेस्ट अभिनेत्री का जो अवार्ड है वेब सीरीज़ में वो मिला है सुष्मिता सेन को आर्या मूवी के लिए वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स बेस्ट वेब सीरीज तो फ्रेंड्स वो है स्कैम 1992 ये भी आपने याद रखना है सबसे बेस्ट वेब सीरीज चुनी गई है ये दादा साहेब फालके पुरस्कार में उसके बाद फ्रेंड्स एल्बम ऑफ ईयर है तितलिया बेस्ट टेलीविजन सीरीज़ है कुंडली भाग्य और फोटोग्राफर ऑफ द ईयर मिला है डब्बू रत्नानी को उसके बाद फ्रेंड्स स्टाइल डिवा ऑफ द ईयर मिला है दिव्या खोसला कुमार को बेस्ट एक्ट्रेस इन टेलीविजन सीरीज में सुरभि चंदना को बेस्ट एक्टर इन टेलीविजन सीरीज में धीरज कपूर को परफॉर्मर ऑफ द ईयर चुना गया है नूरा फतेही को आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री में धर्मेंद्र को और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इन इंडियन सिनेमा में चेतन भगत को फ्रेंड्स ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 के बारे में और फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ कि जल्दी हमारी ना बुक लॉन्च होने वाली है अगर आप किसी भी एग्जाम की फ्रेंड्स अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये जो बुक होगी हमारी रवि जी के नाम से बुक आएगी है ठीक है जल्दी लॉन्च होने वाली है लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप अमेजोन फ्लिपकार्ड से भी फ्रेंड्स ये बुक ले सकते हो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन में सेलेक्ट किए गए हैं और एग्जाम ऑरिएंटेडेडेडेडेड सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स इस बुक में कवर किए गए हैं तो फ्रेंड्स ये बुक आपको जल्दी मिल जाएगी ठीक है अब मैंने आपको जितने भी फ्रेंड्स क्वेश्चन अभी करवाए हैं

सही आंसर है 1969 में नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का कौन सा मंत्रालय दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को प्रदान करता है आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 1969 में पहली बार इस पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था आंसर है देविका रानी को नेक्स्ट क्वेश्चन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में क्या दिया जाता है आंसर है एक स्वर्ण कमल दिया जाता है यानी कि गोल्डन लोटस एक शॉल दिया जाता है और दस लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है इनको नेक्स्ट क्वेश्चन मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे आंसर है पृथ्वीराज कपूर भारत की पहली मूक फिल्म यानी कि साइलेंट फिल्म कौन सी थी आंसर है राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र को किसने बनाया था आंसर है दादा साहेब फाल्के ने नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी आंसर है आलम आरा फ्रेंड्स मैंने आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि दो इक्कीस में दिया गया फ्रेंड्स मैंने आपको एडिशनल फैक्ट भी बताए और जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दादा साहेब फालके पुरस्कार से वो भी करवा दिए उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा कम से कम अपने दस फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि जल्दी हमारी जी की बुक लॉन्च होने वाली है अगर आप फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो ये जी की बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी फ्रेंड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं और फ्रेंड्स और मैं आपको बता दूँ कि हमारा करंट अफेयर का चैनल भी है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि मैंने लिंक वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है आप यूट्यूब पे जाके भी सर्च कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि को आपको सर्च करना है और फ्रेंड्स ये मेरा डेली करंट अफेयर का चैनल है इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर पढ़ाया जाता है डेली तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट